प्यारे छात्र, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर रामकृपाल स्टडी सेंटर। छात्रों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है सामान्य विज्ञान से, और ये है भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। ये भौतिक राशि, जैसे लंबाई, समय, आयतन, इसको भौतिक राशि बोला जाता है, और इसका मात्रक इसको SI में मापा जाता है। तो SI आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, आखिर SI होता क्या है। तो हम पहले आप लोगों को बता दें कि SI होता क्या है। तो SI का फुल फॉर्म जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, सिस्टम का मतलब पद्धति, ऑफ का मतलब का, यूनिट का मतलब मापन या इकाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति, ये SI का फुल फॉर्म। एक और इसका फुल फॉर्म है, उसे भी जान ले आप, उसको बोलते हैं सिस्टम इन इंटरनेशनल सिस्टम ही इंटरनेशनल। तो ये आप समझ ले छात्रों, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर ले और आगे हम चलते हैं भौतिक राशि के मात्रक की ओर। छात्रों, पहला जो मेरा है वो है लंबाई। तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर, और समय का SI मात्रक होता है सेकंड। आयतन, तो आयतन का SI मात्रक होता है घन मीटर। वेग, वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। बल, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। दाब, दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। ऊर्जा, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ताप, ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। भौतिक राशि आगे इधर भी देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में मापा जाता है। घनत्व, घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम ना लिखिए, आप किग्रा लिखिए, कि से किलो हो जाएगा और ग्रा से ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर लिख दीजिए, यहाँ मी दीजिएगा, मीटर हो गया ये, किलोग्राम प्रति घन मीटर। चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। आप यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, ये वर्ग सेकंड हो गया। अगर आप स्क्वायर ना देना चाहते तो यहाँ पे आपको वर्ग लिखना पड़ेगा। कार्य, कार्य का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या इसको आप जूल भी लिख सकते हैं, कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है। शक्ति, शक्ति का SI मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। या वाट, वाट भी इसका SI मात्रक होता है। उष्मा, उष्मा का SI मात्रक होता है जूल।
विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो छात्रों, जो भौतिक राशियां हम नोट किए थे उस सारा का ऐसा ही मात्रक बता चुके हैं। और भी है भौतिक राशियां जिसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और जो आज जो बताए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें और इन्हें याद कर लें। तो छात्रों, आज का जो वीडियो है कैसा लगा आप लोग, वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले